ये देखो दोस्तों, आज हम फिर से नाइट ड्राइव पे निकले हैं। बस आपको जंगल दिखाने के लिए निकला हूँ। ये हमारे भाई लोग हैं, एक बार दिखा देता हूँ। हाँ ये देखिए, हेलो भाई। ये हैं, ये बस ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा घूमने को निकले हैं। रोड पे ही हैं हम, कोई रूल नहीं तोड़ रहे, रोड ही चल रहे। तो बस ये जो अपनी वाली रोड है, इस पे आपको भी नाइट लाइफ दिखा दूं और भाइयों को भी दिखा दूं। तो बस सोचा ऐसे थोड़ा डिनर करने के बाद घूम कर आते हैं। और अभी हमें दिखे थे डियर्स वगैरह, बहुत दिखे थे, बहुत सारे थे। और पग मार्क दिखे हैं अभी हमें बहुत, और थोड़ी देर में आप लोगों को भी लौटते टाइम दिखाएंगे। अचानक से गाड़ी के नीचे ऐसे देखा तो देखा पग मार्क लगे हुए थे, तो हो सकता है टाइगर इधर को निकला हो, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो हमें दिख जाएगा। बाकी जब तक जंगल का और रात का नज़ारा देखिए कैसा है। कितना सुंदर लगता है रात को जंगल। अभी 2-3 दिन पहले जब मैं आया था तो इसमें अभी 2-3 जगह पे सांभर की कॉलिंग हो रही थी, लेकिन बहुत देर वेट करने के बाद भी टाइगर रोड पे नहीं आया, तो फिर हम लोग वापस चले गए। शांति भी तो नहीं है। हाँ देख लो, इसी को कहते हैं रात को जंगल अलग से सुंदर लगता है। बिल्कुल है ना, जितना सुंदर उतना खतरनाक। हाँ जितना सुंदर उतना खतरनाक। ये देखो जी, सुंदर सी रात घने जंगलों के बीच में। कितना शांत और सुंदर लगता है जंगल। सबसे ज्यादा दिक्कत तब हो जाएगी अगर इस पतली सी रोड पे सामने से कोई हाथी ही आ गया, कि बैक करने की जगह है नहीं। और जितनी देर में हम गाड़ी घुमाएंगे और अगर हाथी ने चार्ज कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इस रोड। बाकी अभी तो खाली हिरन हिरन ही दिखे हैं, पता नहीं राजा बाबू कहाँ छुप के बैठे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं अपनी, या तो पेट भरा हुआ होगा। ये दोस्तों वही वाली रोड है जो मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आगे आगे टाइगर चल रहा था, यही वाली रोड है। अब आप देखिए, एक साइड पे राइट साइड पे पहाड़ है और लेफ्ट साइड पे है खाई। अगर सामने से हाथी आ गया, हाथी भाई, तो देख के ही हालत खराब हो जाएगी। बस ऐसी जगहों पे ही थोड़ा सा लगता है कि अगर कभी हाथी आ जाए तो क्या होगा। एक इंसिडेंट है यहाँ का, एक बार 2 या 3 साल पहले की बात है। एक आदमी वाइट कलर की अपनी ऑल्टो लेके इस रोड से आ रहा था, सेम यही वाली कंडीशन थी जो राइट साइड पे आपको पहाड़ दिख रहा है और लेफ्ट साइड पे रोड के बाद खाई है।
तो हुआ यूं कि उसकी गाड़ी खराब हो गई रात में। तो उसने अपनी गाड़ी ना इधर खाई की तरफ यहाँ पे साइड पे कर दी और किसी से लिफ्ट मांग के वो चला गया रामनगर कि अगले दिन सुबह सुबह आऊँगा तो अपनी गाड़ी मैकेनिक लेकर आऊँगा, ठीक करा के ले जाऊँगा। जब वो सुबह लौट कर आया तो उसकी गाड़ी से रात में फुटबॉल खेला गया था और मार मार के गाड़ी को चारों तरफ से पिचका दिया था टस्कर ने। अब आप ये देखो कि रात को खड़ी गाड़ी को भी नहीं छोड़ता हाथी। तो जंगल में रात में किसी जानवर से डर नहीं होता इतना जितना कि हाथी से होता है। तो बस हम यही सोच रहे हैं कि सब कुछ तो मिल जाए, टाइगर तो मिल ही जाए, जितनी बार दिखता है उतनी बार अच्छा लगता है, देख के लगता है फिर से देखें, अगर हाथी ना मिले। और जहाँ चल रहे हैं ये हाथी इसी रोड के ऊपर चलता है ज़्यादातर। और टाइम भी हो रहा है करीब करीब रात के, क्या टाइम हो रहा होगा, 1:30 बज रहा होगा, हाँ 1:32 हो रहे हैं ना, 1:32 1:32 हो रहे हैं जी रात के। इतनी रात को आप लोगों को जंगल दिखाने के लिए ही निकला हूँ मैं, क्योंकि रात में जंगल खतरनाक तो लगता है लेकिन सुंदर भी उतना ही लगता है। तो आप लोग सुंदर जंगल के नज़ारे लीजिए और हम अपनी नज़रें रखते हैं टस्कर के ऊपर, क्योंकि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये वही वाली रोड है जो मैंने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर दिन के टाइम मेरे आगे आगे टस्कर चल रहा था। रात के 1:30 बजे हम अभी और भी आएंगे। ये रहा, ये रहा, चमक रहा है। ये देखिए ये डियर, ये देखिए ये है वो डियर बाबू, इनको कोई लेना देना नहीं। बस हम लोग ऐसे ही घूमते हुए आ रहे थे तो हमने देखा बस कि एक डियर खड़ा है, स्पॉटेड डियर, देखिए कितने पास में मेरे, ये मेरा हाथ है, ये देखिए ये इतनी दूर पे, और गाड़ी की लाइट इसके ऊपर पड़ रही है अभी, ये आराम से लगा। देखिए अच्छा अच्छा इसकी एक्टिविटी देखिए, ये क्या कर रहा है पता, ये देखिए ये अपने आगे वाले पैर से जो जड़ें होती है ना वो खाने के लिए उसकी मिट्टी को खोद रहा है। आपने कभी देखा था ऐसा? ये देखिए ये कैसे करेगा, ये देखिए अपने आगे वाले पैर से कैसे करेगा। ये है हमारे एरावत के आसपास के नज़ारे और वाइल्ड लाइफ और जानवर। देखिए मैं इतनी मेरी आवाज़ सुन रहा है, आराम से खा रहा था, इसमें कोई मतलब नहीं है। चलो जी बाय बाय, खाओ खाओ, चलिए। तो देख लिया आपने, ऐसा होता है यहाँ पे। मतलब जानवर अपने जो खुर का यूज़ क्या करता है वो आपने देखा कि वो अपने पैर से खुर से जो मिट्टी को खोदता है, जो जड़ें होती हैं कोमल कोमल सी, उसको वो खाता है। और नाइट ड्राइव में हमें क्या क्या देखने को मिलता है जब हम कहीं से आ जा रहे होते हैं। तो बस जैसे हम घूमने के लिए निकले थे तो रास्ते में हमें
क्या क्या दिखा अभी, दो अलग सी चीजें दिखी जो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, पॉर्क्यूपाइन और दूसरा हमें क्या दिखा था, नाइट आउल, हाँ हमें दिखा था फिशिंग आउल, फिशिंग आउल दिखा था, तो वो तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, बाकी आप ये नाइट ड्राइव के मजे लो। अभी जो आपने देखा स्पॉटेड डियर को, क्या टेक्निक होती है उसकी अपने खुर को इस्तेमाल करने की, अगर ऐसे ही कुछ दिखता है तो फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि रात को वाइल्ड लाइफ कैसी दिखती है। जंगल में एक अलग तरह की स्मेल होती है जो पत्तों से होकर आती है, वो स्मेल आ रही है अभी।